नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बाजार आज और अगले हफ्ते में आपका स्वागत है। इस खास शो के जरिए अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे आज का बाजार का पूरा एक्शन क्या है और कल का बाजार कैसा रहने वाला है। और कल का मतलब अगले हफ्ते जब मार्केट में ट्रेडिंग शुरू होगी तो तब का बाजार कैसा रहेगा और वहां पर आपको क्या करना है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और आज हमारे साथ इस खास शो में है हमारे इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़े हैं, एक खास मेहमान ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम यहां पर मौजूद है जिसमें हमें कुशल बताएंगे आज के बाजार का एक्शन और टेक महिंद्रा के नतीजों का विश्लेषण। संदीप करेंगे रिलायंस और एचयूएल के नतीजों का विश्लेषण और पूजा से हम जानेंगे कोविड से लगने से ओएमसी पर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज बाजार में पूरे दिन किस तरह का कारोबार रहा है, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। तो मार्केट की बात करें तो अप्रैल सीरीज की शानदार एक्सपायरी हुई। निफ्टी 3% से ज्यादा की मजबूती के साथ 9850 के पार बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 1000 अंक तक की मजबूती आज दिखी है। निफ्टी बैंक ने भी 400 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ 21500 के पार बंद होने में कामयाब रहा है। तो आज एक बड़ा सेशन मार्केट के लिए तेजी के लिहाज से अच्छी तेजी के साथ आज पूरे दिन हमने बाजार में कारोबार होता हुआ देखा है। तो जब बाजार में तेजी आई है तो अब ये जानना जरूरी है कि आज की तेजी क्यों आई है। तो इसलिए अब वक्त है ये जानने का कि आज के बाजार पर एडिटर्स टेक क्या है। और हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़े हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज बाजार में तूफानी तेजी का दौर रहा, सुबह शानदार तेजी के साथ खुला और ये तेजी लगातार बढ़ती गई, तो ये मजबूती कहां से मिली, आज के बाजार पर आपकी राय है क्या? जैसा कि उम्मीद थी कि एक मजबूत एक्सपायरी देखने को मिलेगी, वही हुआ। और ये हफ्ता क्या शानदार रहा, और हफ्ता ही नहीं पूरा महीना भी। अप्रैल की सीरीज लगभग 30% की तेजी मार्च 24 के लोज से निफ्टी में बनती हुई दिखी है इस हफ्ते के, इस सीरीज के अंत तक। तो पूरा महीना बहुत शानदार रहा, बाजारों ने बड़ी तेज दौड़ लगाई, चारों दिन लगाई और आज भी जमकर लगाई। 9900 के बेहद करीब पहुंचा निफ्टी और जो क्लोजिंग हुई है काबिले तारीफ है। शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला, ग्लोबल मार्केट्स मजबूत थे, खरीदारी होती दिख रही है। जो लोग मिस कर गए तेजी को वो खरीदारी करते दिख रहे, तो सब तरफ से खरीदारी आती दिख रही है और ये खरीदारी बेहद शानदार होती हुई दिख रही है और इसी के दम पर बहुत अच्छी क्लोजिंग आपको मिली है। अच्छी बात यह भी है कि खरीदारी सिर्फ कुछ चुनिंदा शेयरों में नहीं हो रही है, ब्रॉड बेस खरीदारी है आपके लिए। और साथ ही न सिर्फ कुछ सेक्टर्स चल रहे हैं, सारे सेक्टर्स बारी बारी से चल रहे हैं। कैश स्टॉक्स में अच्छा एक्शन होता हुआ दिख रहा है और निफ्टी 9850 के करीब और बैंक निफ्टी 21500 के ऊपर जो बंद हुआ, और सेंसेक्स ने भी जो 1000 पॉइंट की छलांग लगाई, ये साफ तौर पर मजबूत सेंटीमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। तो ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती और हमारे यहाँ शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी, इसने बाजार में आज फिर से जोश भरा और बेहतरीन क्लोजिंग दी। जी, तो बिल्कुल एक शानदार सेशन मार्केट के लिए, जबरदस्त तेजी के साथ आज बाजार में कारोबार हुआ। लेकिन अब सवाल यह है कि इस जबरदस्त तेजी में कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जिसकी भूमिका काफी ज्यादा रही और किन खबरों के दम पर वहां पर एक्शन रहा, यह समझाने के लिए, ये बताने के लिए हमारे साथ कुशल गुप्ता मौजूद हैं। बताइए कुशल। तो अप्रैल की एक्सपायरी जो है शानदार नोट पर बंद हुई। निफ्टी में 13 मार्च के बाद दूसरी सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग हमें देखने को मिली। इसमें गेनर्स में अगर आप देखें तो मेटल्स और ऑटो स्पेस सबसे बढ़िया परफॉर्म करते हुए दिखे, जिसमें टाटा मोटर्स और यूपीएल और साथ ही ओएनजीसी वेदांता जैसे शेयर शामिल थे। गिरने वाले शेयरों में देखेंगे तो सन फार्मा, एचयूएल और साथ ही सिप्ला, इंडसइंड बैंक जैसे शेयर शामिल थे। इसके साथ ही अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक जाएंगे तो मेटल स्पेस एक ऐसा था जहां पर सबसे बढ़िया तेजी बनती हुई नजर आई, जिसमें वेदांता, हिंडाल्को जैसे शेयर शामिल थे। और साथ ही अगर ऑटो स्पेस में देखेंगे तो टाटा मोटर्स के साथ साथ हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर्स जैसे शेयरों में अच्छा उछाल देखने को मिला। ऑटो एंसिलरी स्पेस भी पीछे नहीं थे आज के सत्र में और काफी शानदार अपमूव यहां पर हमें देखने को मिला, जिसमें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज, मदरसन सुमी जैसे शेयर जो है शामिल थे। आईटी स्पेस भी आज काफी आउट परफॉर्मेंस दिखाई इसने, जिसमें एचसीएल टेक 11% तक का उछाल यहां पर इंट्राडे में हमें देखने को मिला। साथ ही टीसीएस, विप्रो भी 6-7% की तेजी बनाते हुए नजर आए। ऑयल एंड गैस स्पेस से देखेंगे तो ओएनजीसी आखिरी आधे पौने घंटे में शार्प अपमूव यहां पर हमें देखने को मिला और साथ ही 14
15% के उछाल के साथ जो है इस इंट्राडे मूव हमें देखा। साथ ही अंत में अगर मैं फार्मा स्पेस की बात करूं तो लगातार 2-3 दिन से जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है उस लिहाज से सन फार्मा, लुपिन, डेविस लैब जैसे शेयरों में जो है आज दबाव बनता हुआ नजर आया। ओके, तो खबरों के दम पर कहां कहां पर एक्शन दिखा ये आपको संदीप ने बताया, लेकिन अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का। हमारे साथ हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अप्रैल सीरीज की शानदार एक्सपायरी हमने देखी आज और ऑटो शेयरों ने सबसे ज्यादा दौड़ लगाई, बहुत अच्छी तेजी का आज हमने माहौल देखा ऑटो सेक्टर में। टाटा मोटर्स 20% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना रहा, तो ऐसे में टाटा मोटर्स में अब क्या करना चाहिए और साथ ही और कोई दूसरा ऑटो शेयर जो आपके रडार पर हो अभी इस वक्त? बिल्कुल, देखिए आज माहौल बहुत पॉजिटिव था और काफी पॉजिटिव न्यूज फ्लोज भी थे, ग्लोबल क्यूज अच्छे थे, एफआईआईज की बाइंग थी कल भी और फिर शॉर्ट कवरिंग, बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस माहौल में देखिए सारे स्टॉक्स आज काफी चले हैं और जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे जैसे कि सेक्टर्स थे फार्मा, एफएमसीजी, वहां पे इतनी चाल नहीं है। आईटी ने आज बहुत बड़ा कैचअप किया। तो ओवरऑल ऑटो की जब अगर बात करते हैं तो ऑटो में भी इतने ज्यादा पीटे हुए थे ये स्टॉक सारे, तो थोड़ी थोड़ी यहाँ पे बॉटम फिशिंग हुई और पॉजिटिविटी आ रही है कि जब लॉकडाउन खुलेंगे तो माहौल धीरे धीरे इनका प्रोडक्शन चालू हो रहा है। टाटा मोटर्स के लिए चाइना से काफी पॉजिटिव न्यूज फ्लो था, तो इसकी वजह से बहुत बड़ा एक करेक्शन के बाद ये वापस से बाउंस बैक किया है। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि ऑटो इंसिलरीज इनफैक्ट एक सेक्टर होगा जिस पे ध्यान देना चाहिए, वहां पे क्वालिटी एमएनसी टाइप की कंपनीज और अच्छे बैलेंस शीट वाली कंपनीज, जीरो डेट कंपनीज हो, वहां पे ध्यान दे। और ओवरऑल मुझे लगता है कि मारुति फिर भी इस सेक्टर में मुझे लगता है कि बायो डिक्लाइंस की रणनीति वहां अपनानी चाहिए। और दूसरा मुझे लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प जो कि एक बार चल चुका, मैंने 1700-1800 के लेवल्स में भी स्टॉक रेकमेंड किया, बजाज ऑटो है, इससे भी बेटर है कि बजाज ऑटो की जगह बजाज होल्डिंग्स है, वैसा एक मतलब एक सरोगेट वे ऑफ बाइंग हो सकता है कि बजाज ऑटो और बजाज फाइनेंस को ले ले थ्रू बजाज होल्डिंग्स। बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एग्रेसिवली बाइंग अभी भी नहीं करनी चाहिए। सर्टेनली सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से थोड़े दिनों में ओन्ड व्हीकल्स का वापस से डिमांड बढ़ेगा तो टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स की बढ़ेगी, बट उसमें बेसिक जो कंपनीज है मारुति एंड हीरो मोटोकॉर्प या बजाज ऑटो, वहां पे मैं फोकस ज्यादा हूं और ऑटो इंसिलरीज में कुछ क्वालिटी कंपनीज। ओके, तो ये आपकी ऑटो सेक्टर पर राय है, लेकिन संदीप जी मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं। अब लॉन्ग वीकेंड है, मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो मंडे को इंट्राडे के लिए कहां पर ट्रेड करना चाहिए और कोई अगर पोजिशनल ट्रेड करना चाहे तो उनको कहां पर ट्रेड करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए अपॉर्चुनिटीज काफी और जिस तरीके से आज मार्केट बंद भी हुए हैं तो ये तो कहीं ना कहीं काफी पॉजिटिव है और शॉर्ट कवरिंग बड़ी आज आ चुकी है और भी हो सकता है कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप है वहां पे और कैचअप रैली देखने को मिलेगी। वहां पे बहुत ज्यादा मुझे आज देखने को नहीं मिला कि कई स्टॉक्स थे अभी भी परफॉर्म करना बाकी है, तो वैसे ही कुछ स्टॉक्स है जो कि एक बड़ी चाल दे सकते हैं, बड़ा मूव दे सकता है इंट्राडे में भी या फिर थोड़े बहुत और पोजिशनली भी होल्ड करे तो केईसी इंटरनेशनल फंडामेंटली काफी अच्छा स्टॉक है। थोड़ा सा मिडिल ईस्ट में क्रूड ऑयल की वजह से थोड़ा इनका भी एक्सपोजर रहता है, उसकी वजह से करेक्शन आया और थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट मुझे लगता है कि 195 के लेवल्स है, 205 से लेकर 210 का टारगेट और 190 का स्टॉप लॉस इंट्राडे के लिए ये पिक थी। और दूसरी जो मेरी पिक है वो है एक्सेल इंडस्ट्रीज। ये कंपनी मुझे पहले भी मैंने निचले लेवल्स पे रेकमेंड किया हुआ अपने चैनल पे, काफी बड़ा मूव भी दिया है और यूपीएल जिस तरीके से चला तो मुझे लगता है कि एग्री इंडस्ट्री एग्री इनपुट्स वाली कंपनियां बहुत अच्छा करेंगी और पोजिशनली 655 पे इस स्टॉक को ले, 690 का पहला टारगेट, 720 का दूसरा टारगेट और 625 का स्टॉप लॉस लगे। ओके, तो ये आपकी इंट्राडे राय और पोजिशनल राय। आज नतीजों के लिहाज से भी बेहद अहम दिन था, कई बड़ी कंपनियों के नतीजे आए हैं, तो चलिए अब नतीजों की बात करेंगे और आज रिलायंस ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कैसे रहे हैं ये नतीजे ये बताने के लिए हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप बताइए। देखिए नंबर्स तो ओवरऑल खराब है, अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे चौथी तिमाही तिमाही दर तिमाही कंपेयर करेंगे तो हम जितना अनुमान कर रहे थे मुनाफा गिरेगा उससे कहीं ज्यादा गिर कर आया। हमारा अनुमान था कि 10,320 का मुनाफा आएगा, 6,348 करोड़ का मुनाफा आया क्योंकि एक मुश्त घाटा हुआ है 4,267 करोड़ रुपए का, तो उस वजह से नंबर्स आपको काफी खराब नजर आएंगे। हालांकि रिफाइनिंग का परफॉर्मेंस अच्छा है, जीआरएम हम मान रहे थे कि $7.5 आएंगे, $9 के आसपास के आए, $9.25 के मुकाबले, तो वो जरूर एक अच्छी बात है। और अगर आप सेगमेंटल रेवेन्यूज में भी देखेंगे तो
हम ऐसा अनुमान करते थे कि रिफाइनिंग बहुत खराब होगा, लेकिन उतना खराब हुआ नहीं है। पेटकेम जो कि अच्छा रहना चाहिए था वो उससे काफी कम देखने को मिला। इनफैक्ट यहाँ पे खराब प्रदर्शन देखने को मिला है। ऑयल एंड गैस तो खराब है ही है, और रिटेल का परफॉर्मेंस भी जितना अनुमान किया जा रहा था गिरेगा उससे ज्यादा गिरता वो दिखा है। लेकिन नतीजों में एक कोई जो फाइन प्रिंट जो बहुत ज्यादा आपको सितारा नजर आएगा वो है जियो के नंबर्स। छप्पड़ फाड़ के नंबर आने का अनुमान था, उससे भी कहीं ज्यादा नंबर्स यहां पे देखने को मिले हैं। आप खास तौर पे मुनाफे की बात कीजिए, 72-73% की ग्रोथ यहां पे मुनाफे में आई है। 2,331 करोड़ का मुनाफा है 1,350 करोड़ रुपए से बढ़कर। यही एक हाईलाइट है जिस वजह से आप देखिए नंबर्स में उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं देखने को मिला है, जिस वजह से आप देखिए जो एडजस्टेड मुनाफा है 10,615 करोड़ रहा है। हम ऐसा अनुमान करके चल रहे थे कि 10,320 करोड़ रुपए के आसपास के जो नंबर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। लेकिन मृत्युंजय ध्यान यह भी देना होगा कि नंबर्स में अन्य आय भी बढ़कर आई है, करीब 700 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर है जो कि अन्य आय का बढ़कर आया, जो कि दर्शा रहा है कि क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स ठीक नहीं है, जिस वजह से आप देखिए मुनाफा इतना बढ़कर आया। अगर आप एडजस्टेड बेसिस पे देखें तो नेट नेट देखा जाए नंबर्स खराब है, अनुमान से कम है, जियो के नंबर्स अनुमान से बेटर है। जियो के नंबर अनुमान से बेटर है, लेकिन वैसे नंबर खराब है, अनुमान से कमजोर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एचयूएल की। और आज एचयूएल ने भी चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। कैसे नतीजे रहे हैं, क्या क्या आंकड़े आए हैं, ये डिटेल समझाने के लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ी हैं। देवांशी बताइए। एचयूएल के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं। आप देखिए COVID-19 के चलते इस बार वॉल्यूम ग्रोथ पर सबसे ज्यादा असर देखने मिला है। वॉल्यूम ग्रोथ इस तिमाही में 7% घटती हुई दिखी है, अनुमान था करीब 2% तक बढ़ने का। इसके अलावा जो ओवरऑल नंबर्स है वो भी अनुमान से कम ही आते हुए दिखे हैं। मुनाफा इस बार 1% तक कम होता हुआ दिखा है। साथ ही अगर आय की बात करें तो करीब 9.25% तक की गिरावट हमने कुल आय में देखी है। कामकाजी मुनाफे की बात करें तो इस बार खर्च जो ऑपरेशनल खर्च था वो कंपनी का थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा, इसके चलते कामकाजी मुनाफा करीब 11% कम होता हुआ दिखा। मार्जिन इस बार थोड़े से स्थिर रहे 23% के लेवल्स के आसपास। और साथ ही आप देखिए मैनेजमेंट का इस बार यही कहना था कि लिक्विडिटी की चिंता अभी भी बनी हुई है, और साथ ही कोरोना वायरस के चलते जो अनसर्टेनिटी है वो अभी भी मार्केट में बनी हुई है। साथ ही आप देखिए जो कामकाजी मुनाफा है वो इस वजह से भी घटता हुआ दिखा क्योंकि कई प्रोडक्ट्स थे या कच्चे माल की जो लागत है वो थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखी, और आगे चलते भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी जरूर देखने मिलेगी। मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि जो डिमांड पैटर्न है उसमें इस बार बदलाव देखने मिला है, और आगे चलते कंपनी हेल्थ हाइजीन और न्यूट्रिशन पर सबसे ज्यादा फोकस करेगी। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो अनुमान से कमजोर नतीजे एचयूएल के जरूर देखने मिले हैं। ओके, तो दो नतीजों के बारे में अभी तक हमने आपको बताया, रिलायंस और एचयूएल, और हमारे दोनों सहयोगी ने बताया कि दोनों नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं। तो संदीप जी, अब आपका व्यू क्या होगा इन दोनों कंपनियों के ऊपर अगले हफ्ते के लिए, आपका व्यू क्या है रिलायंस और एचयूएल? देखिए रिलायंस, यस बिल्कुल, रिलायंस की बात करते हो, रिलायंस के नतीजों को तो काफी ट्रैक करते हो, और इनफैक्ट बात करूं तो रिलायंस का कहीं ना कहीं देखिए मिक्स्ड रिजल्ट है। संदीप जी ने बहुत बढ़िया से एनालिसिस बताई है, और जो प्रॉफिट्स की क्वालिटी है वहां पे कहीं ना कहीं देखिए इतनी वो नहीं दिख रही है, अदर इनकम का भी कंपोनेंट है। दूसरा, डिलीवरेजिंग थीम पे वैसे कंपनी खड़ी उतर रही है, राइट्स का इश्यू लाए हैं, 14% डिस्काउंट पे है जो कि मैं कहूंगा, और 25% वो लोग लेंगे सब्सक्रिप्शन अमाउंट, तो वो एक स्वीटनर है। और कहीं ना कहीं जो फेसबुक टाइप की डील का एक और उन्होंने ऑप्शन खोला कि एक और LOIs भी आ रहे हैं कुछ, और तो वो एक स्वीटनर की तरह काम कर सकता है। बट ओवरऑल जियो का रिजल्ट सर्टेनली बिग थम्स अप है उसको तो, और अनुमान से बेहतर आए हैं। बाकी मुझे ऐसा लगता है मार्च के क्वार्टर से ज्यादा, अब देखिए जो आने वाले जो महीने होंगे वो कहीं ना कहीं काफी इंपैक्टेड होंगे। जो ऑयल एंड गैस में जो कोहराम मचा था वो इसी महीने में मचा है, अप्रैल में पोस्ट मार्च, तो मुझे लगता है आने वाले दिन बहुत ज्यादा कोई अच्छे होंगे ऐसा लगता नहीं है ऑयल एंड गैस और ओल्ड इकोनॉमी फ्रंट पे। बट न्यू इकोनॉमी बिजनेसेस सर्टेनली इनके अच्छे कर रहे हैं, रिटेल में भी कुछ ग्रीन अच्छे वो दिखेगी, वहां पे इबिट्टा मार्जिन बढ़ रहे हैं, और ओवरऑल पहली बार कंपनी ने 1,00,000 करोड़ के ऊपर का इबिट्टा दिया है, तो अगर डिलीवरेजिंग करते हैं तो इंटरेस्ट का कंपोनेंट कम होता है, तो सर्टेनली बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट लॉन्गर रन में है। बट मुझे लगता है बहुत बड़ा मूव ऑलरेडी इन सारे एंटिसिपेशन में दे चुका है ये स्टॉक, तो मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ी चाल इसके बाद अब बची रह गई है। और बाकी राइट्स इश्यू आएगा तो उसकी भी एक सप्लाई और पेपर से थोड़ा सा फर्क पड़ता है, और वो भी 14% डिस्काउंट पे। सो ओवरऑल मिक्स रिजल्ट्स में कहूंगा, नॉट अ वेरी बिग थम्स अप, क्योंकि जीआरएम्स भी घट के ही आया, हालांकि जितने अनुमान थे उससे थोड़े बढ़ के आए हैं, बट फिर भी जियो और वहां पे एक और चीज आरपूस जो है वो उम्मीद से कम आया, मुझे लगा था कि आरपूस बढ़ के आने चाहिए, बट अगेन
इस क्वार्टर में शायद आरपू ज्यादा बढ़ेगी, कंजम्पशन ऑफ डेटा सर्टेनली ज्यादा होगा और एचयूएल का नतीजे सर्टेनली अनुमान से तो खराब ही है, इतना उम्मीद नहीं था क्योंकि एचयूएल और कुछ एफएमसीजी कंपनीज थी इनकी तो चल रही थी पूरी ओवरऑल लॉकडाउन के दौरान भी सेल्स, बट सप्लाई डिसरप्शन और ये सब काफी थे, तो मेरे हिसाब से ऑलरेडी काफी बड़ा मूव और आउट परफॉर्मर रहा है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन और भी देखने को मिलता है, बट फिर भी होल्ड करें लॉन्ग टर्म। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड, थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है शॉर्ट टर्म में। आज टेक महिंद्रा ने भी चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। टेक महिंद्रा के नतीजे कैसे रहे हैं ये समझाने के लिए हमारे साथ कुशल बने हुए हैं। कुशल बताइए। जी हाँ, तो टेक महिंद्रा के नंबर्स जो है अनुमान से काफी कमजोर रहे, इनफैक्ट मुनाफा में जो अगर आप देखें तो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे 30% तक की गिरावट हमें देखने को मिली और मुनाफा 804 करोड़ का कंपनी ने पोस्ट किया। हम अनुमान करके चल रहे थे कि करीब 15% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा डॉलर आय देखिए आप कंपनी की, करीब 4.25% का फॉल इसमें भी देखा गया है और कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू जो है वो करीब 3.25% लुढ़कता हुआ नजर आया है। हमारा अनुमान जो है 1.5% लुढ़कने का था। इसके अलावा अगर आप मार्जिन देखें कंपनी की तो वहां पर हम 40 बेसिस पॉइंट्स की ही गिरावट एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, उसके मुकाबले कंपनी ने करीब 2.25% का फॉल जो है दिखाया है इनके मार्जिन्स में। साथ ही कंपनी जो है इनकी कमेंट्री में इन्होंने ये बताया है हमें कि इनकी जो कामकाज की जो वॉल्यूम है वहां काफी सारे कस्टमर्स से थोड़ी सी कमी आती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कंपनी ने जो है एक वन टाइम चार्ज जो है 217 करोड़ रुपए का लिया है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके मुनाफे पर इतना दबाव आता हुआ नजर आया है। इसके अलावा मार्जिन्स के लिहाज से जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बात बताई कि एडिक्वेट प्रोविजनिंग वो कर रहे हैं आगे आने वाली स्थिति के लिए और जो भी कॉस्टिंग्स आगे इन्वॉल्व रहेगी और साथ ही जिन जो हाल फिलहाल इन्होंने डील्स की थी उसकी ट्रांजिशनिंग में इनको जो कॉस्ट लग रही है उस वजह से इनके मार्जिन्स पर इतना इम्पैक्ट आता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल नंबर्स तो काफी खराब दिख रहे हैं। ओके, ठीक है संदीप जी, बिल्कुल संक्षेप में टेक महिंद्रा के जो नतीजे अभी बताए हैं कुशल ने, जो आंकड़े बताए हैं इसके ऊपर आपकी टिप्पणी क्या होगी? बिल्कुल अनुमान से खराब ही है, रिजल्ट्स कमेंट्री भी खराब थे, मार्जिन्स डाउन है और आगे भी माहौल थोड़ा सा और खराब ही रहने वाला है और अंडर परफॉर्मर है काफी बड़ा। आप देखिए बाकी जो कंपनीज है, भले इंफोसिस हो, टीसीएस हो, एचसीएल टेक, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, उनके हिसाब से अंडर परफॉर्म किया हुआ है, तो शायद मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी, बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करके रखे, वैल्यूएशन के लिहाज से काफी सस्ता। अच्छा, जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपने कहा कि रिजल्ट जो है वो कमजोर ही रहे हैं जैसे कि आंकड़े बता भी रहे हैं। और अब वक्त है ये जानने का कि सोमवार के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, इस बार लंबा वीकेंड है, सोमवार से अब बाजार में क्या रणनीति बनानी चाहिए? क्या अब बाजार में आपको लगता है कि अब बाजार में रिस्क कुछ बढ़ गया है या अब भी मौके ही मौके हैं? जब सोमवार सुबह हम ट्रेड के लिए लौटेंगे तो हमारे सामने ढेर सारे ट्रिगर्स होंगे। पहले तो सबसे पहले तीन बड़े रिजल्ट्स, रिलायंस, एचयूएल और टेक महिंद्रा, इन तीनों दिग्गज कंपनियों के नतीजों पर बाजार का रिएक्शन रहेगा। दूसरा, मई सीरीज की शुरुआत होगी। तीसरा, लंबा वीकेंड, कल बाजार बंद है तो आपको ढेर सारे ग्लोबल संकेतों के साथ ट्रेड की शुरुआत करनी है। चौथा, कोरोना को लेकर किस तरह का अपडेट अमेरिका में और हिंदुस्तान में देखने को मिलता है और दुनिया भर में देखने को मिलता है, वो अगला ट्रिगर होगा। और पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट एक और है कि लॉकडाउन को लेकर सरकार की तरफ से क्या बयान आते हैं, आगे किस तरह की जानकारी होती है, लॉकडाउन बढ़ता है नहीं बढ़ता है, बढ़ता है तो किन टर्म्स कंडीशन पर बढ़ता है, खोला जाता है तो किस तरह से खोला जाता है। तो ये ढेर सारे संकेत ऐसे हैं जिन पर बाजार की नजर रहेगी, लेकिन होगी नई सीरीज की शुरुआत और ऐसे में शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी अब तक तो दिखी है। अगली सीरीज में आगे मूड माहौल क्या रहेगा ये इन सारे के सारे ट्रिगर्स पर काफी कुछ निर्भर करेगा। तो मुझे लगता है मंडे ट्यूसडे आपके लिए एक मेक और ब्रेक वाला ट्रेडिंग सेशन होगा जो कि मई सीरीज की नींव भी रखेगा और आपको यह भी बताएगा कि आगे पूरे महीने में बाजार किस तरह से ट्रेड करने वाला है। हर बार आपको मार्च जैसी खराब सीरीज नहीं मिलती, हर बार आपको अप्रैल जैसी बेहतरीन सीरीज नहीं मिलती और आमतौर पर जो कहावत है सेल इन में गो अवे, क्या वो कहावत सही होगी या फिर अप्रैल की सीरीज का मोमेंटम बरकरार रहेगा? क्योंकि इस बार
सेल इन में गो अवे, जाएंगे तो जाएंगे कहां, लॉकडाउन है। तो इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये सीरीज बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है, बहुत शानदार रहने वाली है, बहुत एक्शन वाली रहने वाली है, जहां पर दोनों तरफ के लोग तेजी और मंदी करने वाले अपनी ताकत आजमाइश करेंगे। क्योंकि ऊपर से देखेंगे तो निफ्टी लगभग 2,500 पॉइंट नीचे है, नीचे से देखेंगे तो लगभग 2,500 पॉइंट ऊपर है, तो बीचों बीच का मामला है, रस्सा कशी होगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड होगा। तो सोमवार को फिर से आपको पूरी कमेंट्री के साथ हम हाजिर होंगे और साथ ही बताएंगे ये भी कि बेस बॉटम फॉर्मेशन की क्या सिचुएशन है इस वक्त। तो बेहद इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है सोमवार को। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका ये बेहतरीन एनालिसिस के लिए कि अगला हफ्ता बाजार के लिए कैसा रहने वाला है। अब संदीप जी फटाफट आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इस बाजार में अभी क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कहां पर निवेश करना चाहिए? बिल्कुल, एक मैंने बेहतरीन कंपनी का नाम लाया हूं मैं, टिमकेन इंडिया, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और बहुत ही क्वालिटी कंपनी है, और जिस तरीके से कंपनी 100 साल से भी ज्यादा पुरानी कंपनी है और यूएस में नासा के साथ काम करती है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट वाइन टर्बाइन पार्टनरिंग कर रखी है, रेल टनल उसमें काम करती है, बाकी इंडियन फ्रंट में बोले ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, रेलवे इंडस्ट्री में, और ऑलरेडी काफी डिस्काउंटेड था, काफी हद तक अंडर परफॉर्मर है, पिछले 5 साल में सिर्फ 6% की कैगर से कंपनी की प्राइस की राइज हुई है मार्केट्स में, और देखें तो सबसे बढ़िया है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 22%, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 15%, ग्रोथ करीब 3 साल की देखें तो 17% कैगर है, और बेस्ट पार्ट है कि दिसंबर का जो क्वार्टर है वो 26 करोड़ से 85 करोड़, मतलब 2018 दिसंबर से 2019 दिसंबर 85 करोड़ का था। मेरे हिसाब से इन लेवल्स पे स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए, डाउनसाइड बहुत कम है, 700 रुपए का डाउनसाइड रिस्क मान सकते हैं, पैनिक बॉटम का 1070 का टारगेट आने वाले 3 से 6 महीने। ठीक है, और अब वक्त है ऑप्शन का ट्रेड जानने का। और ऑप्शन का ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताएं मंडे के लिए ऑप्शन के जरिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी, देखिए ऑप्शन के थ्रू हम निफ्टी में तेजी करके चलेंगे और निफ्टी में जिस तरीके का आज का एक्सपायरी का क्लोजिंग आया है, हमें लगता है कि निफ्टी में यहाँ से और मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 10,000 का कॉल ऑप्शन जो कि 7 मई की एक्सपायरी, नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी रहेगी उसका हम कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, क्योंकि हम 9750 के ऊपर जब तक बने रहेंगे हमें लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखना है। तो 10,000 का कॉल ऑप्शन कुछ 65 रुपए के आसपास आज क्लोज हुआ है, उसमें 40 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट हमें लगता है 105 से 115 तक के देखने को मिलेंगे। तो निफ्टी में तेजी का ही व्यू है अभी और हम कॉल ऑप्शन बाय करके निफ्टी में 10,000 का कॉल ऑप्शन बाय करके तेजी करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो मेटल सेक्टर में एक अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिली, हिंडाल्को में देखें तो कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, तो हिंडाल्को बाय करेंगे, 130 रुपए के आसपास क्लोज हुआ है, 127 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे और 137 तक के टारगेट हमें लगता है मंडे के सेशन में देखने को मिलना चाहिए, तो हिंडाल्को में बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका, संदीप जी आपका और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का बताने के लिए कि आज का बाजार कैसा रहा है और अगले हफ्ते मार्केट कैसा रह सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।